जंतु साम्राज्य, जंतु क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें आज हम लोग को पढ़ना है बाबू सिलिंटेरेटा या निडेरिया के बारे में, सिलिंटेरेटा या निडेरिया। तो आप लोग को बता दें, निडेरिया प्रजाति के जो भी जीव होते हैं उनकी खास विशेषता यह होती है कि वे सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं और उस जीवों में उत्तक पाया जाता है। जब बहुकोशिकीय कोई भी जीव होगा और उसमें उत्तक पाया जाएगा तो कन्फर्म है इसमें हर चीज़ पाया जाएगा, लेकिन वह चीज़ें परिपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगी। जैसे करा इस सिलिंटेरेटा प्रजाति में जो भी जीव आते हैं उन सभी जीवों में नर्वस सेल पाया जाता है। नर्वस सेल का मतलब तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका। करा अर्थात इस प्राणी को हम लोग कहते हैं ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम। यानी इस जगत में निडेरिया प्रजाति में पाए जाने वाले जो भी प्राणी होंगे उन प्राणियों में नर्वस सिस्टम जो होगा विदाउट ब्रेन का होता है। कैसा होता है? विदाउट ब्रेन का। कह रहा है कि इस प्रकार की जीवों में इनकम्प्लीट यानी पाचन तंत्र जो होता है वह कम्प्लीट नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। किस में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, किस प्राणी में पाचन तंत्र या किस साम्राज्य के प्राणी में पाचन तंत्र परिपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है? तो निडेरिया या सिलिंटेरेटा, सिलिंटेरेटा। ठीक है, इसमें जो पाचन तंत्र होता है बाबू वह कंप्लीट नहीं होता है। और खासकर इस जंतु की सबसे बड़ी बात यह है बाबू कि इसका जो शरीर होता है ना, तो शरीर में मौजूद जो भी मतलब भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है, निडेरिया साम्राज्य में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं भोजन और भोजन के पचने के बाद निष्कासन की जो क्रिया होती है यानी उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह मात्र एक ही द्वार से करते हैं, मात्र एक ही द्वार से। भोजन भी उसी द्वार से करता है और निष्कासन भी उसी द्वार से करता है। यहाँ लिखे हैं जिसमें भोजन ग्रहण एवं निष्कासन किया जाता है मात्र एक द्वार होता है और उसे वह ओपनिंग होता है जिसे कहते हैं हम बाबू गैस्ट्रो वेहिकुलर कैविटी। करा इस संग में जो भी जीव होंगे उनकी विशेषता एक बार और हम लोग देखते हैं। निडेरिया जाति में पाए जाने वाला जीव कैसा होगा जी? बहुकोशिकीय। कैसा होगा? बहुकोशिकीय। उसमें उत्तक पाई जाएगी, नर्वस सेल पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा जी? बहुकोशिकीय होगा, उत्तके होंगी, उत्तक पाई जाएंगी, नर्वस सेल पाया जाएगा और वह जो वह प्राणी जो पाए जाएंगे उन प्राणियों को हम लोग कहते हैं ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम। उनको क्या कहते हैं जी? ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम। करा इस प्रकार की जीवों में जो पाचन तंत्र होता है वह इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। किसके? निडेरिया के। किसके? निडेरिया के, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिलिंटेरेटा। और इस जीव की एक खास बात यही बाबू कि एक ही मुख से भोजन ग्रहण भी करता है और उत्सर्जन की क्रिया भी करता है। खासकर इन जीवों की बनावट यह है बाबू कि जब यह जीव मरते हैं तो मरने के बाद एक प्रकार की प्रवर्धक भित्ति का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में है आपकी क्या? जेलीफिश। मरने के बाद यह क्या करती है? प्रवर्धक भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, यह चीज इतना आप लोग का कंप्लीट हुआ।